तो हेलो फ्रेंड्स, आज किसी नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज किसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों, यदि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो मोनेटाइजेशन के बाद गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, तो दोस्तों इस तरह का कुछ आपको गूगल एडसेंस मिलता है, जिसमें दोस्तों इस गूगल एडसेंस में आपको 6 अंकों का कोड दिया जाता है गूगल की तरफ से। दोस्तों इस 6 अंकों के कोड के जरिए गूगल आपका एड्रेस वेरीफाई करता है। ओके, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ इस तरह का है, और ये जो है 6 अंकों का कोड लिखा हुआ है दोस्तों। ओके, तो फ्रेंड्स अंदर कुछ इस तरह का आता है और बाहर जो है टोटल खोलने का इस तरह से है, और इसे अप्लाई कैसे करते हैं दोस्तों, यही चीज़ आज की इस वीडियो में यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, एक बार अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपको एक महीने के अंदर अंदर ये एडसेंस पिन आ जाती है। दोस्तों जब एडसेंस पिन आ जाती है तो उसके बाद दोस्तों वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको पता नहीं है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यदि आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स आप यूट्यूब से जितनी भी अर्निंग है, चाहे आप जितनी भी अर्निंग करें कम या ज़्यादा, तो उस अर्निंग को आप अपने बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते बिना एडसेंस वेरीफाई किए। ओके, तो इसलिए दोस्तों ये गूगल एडसेंस वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमें गूगल के द्वारा मिलता है। और दोस्तों ये कैसे मिलता है, इसे अप्लाई कैसे करते हैं, यही चीज़ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों यदि आपने छोटी सी मिस्टेक की तो आपको ये गूगल एडसेंस नहीं मिलेगा, या फिर दोस्तों लेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, गूगल एडसेंस को अप्लाई करने के लिए आपको गूगल एडसेंस अकाउंट पर जाना होगा। मेरा मतलब ये है कि जब आपने अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेजा था तो आपने एक अकाउंट बनाया था जिसे गूगल एडसेंस अकाउंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पहले उस गूगल एडसेंस अकाउंट पर जाना होगा, एंड तो वहाँ से आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको गूगल एडसेंस में एंटर करना नहीं आता है, यानी कि गूगल एडसेंस में लॉगिन कैसे करते हैं, तो यदि आपसे नहीं आता है तो उसका मैंने एक ऑलरेडी वीडियो पहले से बना दिया है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखेंगे कैसे, उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, तो उस वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं कि गूगल एडसेंस में लॉगिन कैसे करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैं बता देता हूँ आपको कि आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कैसे करना है, अपने मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप से। ओके, एंड दोस्तों मोनेटाइज होने के बाद आप अपने गूगल एडसेंस में जाते हैं, एंड दोस्तों गूगल एडसेंस में जाने के बाद आप देखते हैं स्क्रीन पर देख सकते हैं फोटो। तो दोस्तों गूगल एडसेंस पर जाने के बाद आपको ये चीज़ देखना है कि आपके गूगल एडसेंस में $10 कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए। दोस्तों यदि आपके गूगल एडसेंस में $10 कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $10 कंप्लीट हो चुके हैं तो दोस्तों $10 कंप्लीट होने के बाद आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपके $10 कंप्लीट हो जाते हैं तो $10 कंप्लीट होने के बाद एक या दो दिन के बाद या तुरंत ही आपको एक बटन मिलती है जिसे एक्शन बटन कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जैसे ही $10 कंप्लीट होते हैं तुरंत ही आपको ये एक्शन बटन मिल जाती है। एंड दोस्तों इस एक्शन बटन के थ्रू आपको एक आईडी प्रूफ देना होता है। आईडी प्रूफ का मतलब ये है दोस्तों कि आपको एक वोटर आईडी देनी होती है अपने, या फिर परिचय पत्र, या फिर आप पैन कार्ड भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, आपको यहाँ पर आधार कार्ड नहीं देना है। अब दोस्तों फुल प्रोसेस, यानी कि पूरी प्रोसेस एक्शन बटन के थ्रू आपको एड्रेस प्रूफ कैसे देना है, इसका पूरा ट्यूटोरियल मैंने एक नेक्स्ट वीडियो में बताया हुआ, तो उस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी।